तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊं? कोई जरूरत नहीं है, मैं बस जा ही रहा हूं। ठीक है फिर, तुम दोनों भाई बहन को मैं अकेला छोड़ देती हूँ, काफी बातें होंगी ना करने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? 3 महीने बीत चुके हैं, प्लीज वापस आ जाओ ना प्लीज। हमने इस बारे में पहले भी बात की है और हम मान भी गए थे, है ना? Come on, सुनो, मैंने तुम पर भरोसा किया, मुझे डिसअपॉइंट मत करो, अपने भाई को कन्विंस करो। मिस जेमरी, मिस्टर एमर इस बार क्या कह रहे हैं? क्या वो मिस्टर हिकमत के साथ सुलह करेंगे? क्या डिनर तैयार है? हमें बस सैलेड्स और स्टार्टर तैयार करने हैं। और बर्तन? मैं वो बर्तन ले आई हूँ जो आपको पसंद है। प्लीज भाई, वापस आ जाइए, मैं आपके बिना बहुत अकेली हूँ। जेमरिया नहीं होती तो मैं पागल ही हो जाती। प्लीज आप वापस आ जाइए, प्लीज आप वापस आ जाइए। सुना, देखो मैं तुम्हें कोई दुख या तकलीफ नहीं देना चाहता। उस रात के बारे में भूल जाओ। उस रात मैंने भी उतनी चोट खाई थी जितनी की आपने, शायद आपसे भी कहीं ज्यादा। मेरी माँ चली गई, मेरा भाई चला गया। वो अब भी यही है? हाँ वो यही है, मेरे पापा मेरे साथ है। पर क्या आपको पता नहीं कि मैं भी उन्हें माफ नहीं कर सकती? सुना, वो सारे राज, जो कुछ भी हुआ, ये हालत, क्या ये सब उनकी गलती नहीं है? मैं अपने भाई से मांग रही हूं कि वो अपने घर पर रहे, अपने लोगों के साथ। वो कहीं ना जाए, वो हमारे साथ रहे। भाई प्लीज आप वापस आ जाइए, मैं अकेली नहीं रहना चाहती हूं, आप समझिए। मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होगा, आप वापस आ जाइए, मैं अकेले ये सब नहीं सह सकती, मैं अकेले ये सब नहीं सह सकती भाई, मैं ये अकेले नहीं सह सकती, वापस आ जाइए। ऐसा मत करो सोना, ठीक है? संभालो अपने आप को। तो क्या आप वापस आ रहे हैं? ठीक है, शांत हो जाओ, ठीक है? अब और मत रो। कब आ रहे हैं वापस? आज रात? पक्का आज रात ही? बोलिए ना भाई। हाँ ठीक है, आज रात। ग्रेट जॉब सुना, ग्रेट जॉब। तुम जा रहे हो क्या? मिसेस मेलिकी ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, तो जरा खाकर जाओ ना। मैं शाम को आऊंगा। शाम को? ओके। सुना, इतनी ज्यादा परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? रेहान का कबर्ड देखकर, उसके कपड़े देखकर वो परेशान हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं बहुत घबरा गई थी।
पर फिर उसने खुद को संभाल लिया। मुझे लगा था कि जो कुछ हुआ था वो अब भूल चुकी होगी, लेकिन जब रेहान का नाम सुना तो क्या कहूँ, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है पर वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। देखो अब वो पिछले महीने से कहीं ज्यादा बेहतर है। थैंक्स जेमरे, सुना का साथ देने के लिए। ओ एमिर, मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, सुना मेरी भी बहन जैसी है, सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं। मैं तुम्हारा रूम तैयार करवा दूं।